बुधवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत टौणी देवी माता मंदिर की सराय परिसर में भाजपा मंडल की कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने की। इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं को खुले मन से जनता को किए गए कामों को बताना चाहिए। हम लोग बोलने में संकोच करते हैं और विरोधी झूठी बात बोलकर लोगों को बड़े आत्मविश्वास से बहकाते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं, सच्चाई को नहीं बताएंगे तो वे बहक जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं और दोनों सरकारों ने बढ़िया काम किया है, जो लगातार करती जा रही है। आम जन, युवा वर्ग, महिला, कर्मचारी, अधिकारी, किसान, बागवान इत्यादि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारों का काम चल रहा है। लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को फायदा पहुंच रहा है वो चुप बैठा है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाले लाभ का जिक्र पार्टी कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे कार्यकर्ता अगर बोलेंगे नहीं तो विरोधी उनकी बातों को अपने ढंग से कह पाएंगे, जिससे पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि चुनावों का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मतदाता अपने मन बनाना शुरू कर देता है, इसलिए अब बिना देरी किए कार्यकर्ताओं को अपनी बात जनता तक पहुंचाना शुरू कर देनी चाहिए। पालमपुरा की 2 सीटें मिली, मंडी कांग्रेस को 2 सीटें मिली, सोलहवा पार गए, लेकिन हमने फिर प्रेम के जीते जीते अब 4 उपचुनावों में जो पार्टी की को ठोकर लगी है वो एक चेतावनी है कि आंखें खोलो, अभी तो दोनों जगह सत्ता में हो। अगर हम ठीक टाइम पर जागे नहीं, अपना पक्ष रखा नहीं, आपने जो किया बताया नहीं, तो फिर लोग जो सुनते हैं उसके कारण बैठ जाते हैं। और मतदाता जब मन बना लेता है तो केवल पॉजिटिव वोट में तो वोट नेगेटिव भी होता है। दूसरे हमसे नहीं गए गुजरे हैं। अगर आपके गांव के लिए सड़क बनी है, गांव में पानी की सप्लाई ठीक हुई है, स्टाफ लेबर आया, इतने पटवारी लगे, आज सुजानपुर में कोई ऐसा पटवार सर करें जहाँ पटवारी लग नहीं लगे, हर पटवार सर में पटवारी लग गए। आपने क्लेम किया, आपने कहा यहाँ फलाना मुझे पटवारी चाहिए, अपने कोशिश की अधिकारी मोबाइल को वही करवा दिया। कोई और क्लेम कर रहा है कि मैंने देखो एक हफ्ते में करवा दिया, महीना पहले ऑर्डर हो गया उसने हफ्ते में करवा दिया। हम बोलते क्यों नहीं है? केंद्र सरकार आपकी, प्रदेश सरकार आपकी, और हार यही है, शुरू नहीं हुई जो भाई लक्ष्मण सिंह राणा जी कर रहे थे। हारे आप पंचायत के टाइम से भी है, जितने काम हो रहे थे उतने वोट आपको नहीं मिले। देश की कार्य समिति की बैठक शनिवार में हुई थी, वही निर्णय लिया जाता कि इसके एक हफ्ते के अंदर जिले की मीटिंग होगी। पिछले सप्ताह हमीरपुर में जिला की बैठक हुई और आज सुजानपुर मंडल की यहाँ बैठक हुई है। मुख्यतः पदयात्रा का कार्यक्रम होगा लोगों से संपर्क करने के लिए, और जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो 50-50 ऐसे लोगों से संपर्क करेंगे जो पहले पार्टी के साथ नहीं जुड़े हैं। मंडल स्तर के 25-25 लोगों के साथ, और जो प्रदेश स्तर के कार्य समिति के सदस्य हैं वो 100-100 नए लोगों के साथ पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, साथ जुड़ सके।